नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। 2024 की लोकसभा चुनाव बहुत कुछ दिखाएगा। सर्वे आ रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का कद नीचे हो रहा है, विपक्ष के नेताओं का कद ऊपर हो रहा है। उधर बहुजन समाज पार्टी में बहन मायावती जी ने सीधे सवाल किया योगी आदित्यनाथ जी से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से सवाल किया गया कि कानपुर देहात में जो घटना घटी और जो आपके प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, कानपुर के जो डीएम नेहा जैन, दो वीडियो वायरल होता रहा, उधर एक मां बेटी का हादसा और इधर नेहा जैन जो डीएम हैं उनका डांस वीडियो वायरल हो रहा था। बहुजन समाज पार्टी में बहन मायावती जी दलित मुस्लिम समीकरण को पूरा तैयार करने लग गई हैं, लेकिन एक चौंकाने वाली खबर है। शायद पहली बार में विश्वास नहीं हो पा रहा था, लेकिन यह सच है। अनुप्रिया पटेल, वह भी बहन मायावती जी की प्रशंसा करती है। उधर केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, वह भी बहन मायावती जी की प्रशंसा करते हैं। क्या मौर्य समाज बसपा के नजदीक आ गई है या वोट बैंक का खतरा है? समाजवादी पार्टी का जनाधार से अब भाग रहे हैं जो ओबीसी का तबका है, और ओबीसी वर्ग जो है इसकी झुकाव बहन मायावती जी की तरफ है। दूसरी बात, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे सतीश चंद्र मिश्रा जी, 2022 से चुनाव के बाद ये बसपा से दूर होते जा रहे हैं। केवल फॉर्मेलिटीज के तौर पर मीटिंग में आते हैं और एक सबसे बड़ा बहाना होता है स्वास्थ्य का, कि इनका स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा है इसलिए मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। कहीं सतीश चंद्र मिश्रा जी 2024 में भारतीय जनता पार्टी के साथ तो नजर नहीं आएंगे, ऐसा संदेह हो रहा है। अभी तक किसी प्रकार की कोई पुष्टि नहीं हुई है और बसपा के किसी भी प्रोग्राम में वो देखे नहीं जाते। बहन मायावती जी अकेले नेतृत्व कर रही है पूरे बहुजन समाज पार्टी की, कार्यकर्ता स्तर पर, जिला स्तर पर, कोऑर्डिनेटर मंडल स्तर पर, हर जगह बहन मायावती जी अकेले नेतृत्व कर रही है। उसके बाद आकाश आनंद जी का ट्वीट आता है, उनका वीडियो आता है जो सभाओं को संबोधित करते हैं। 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, सतीश चंद्र मिश्रा जी का जो मेहनत था उस मेहनत के अनुरूप वोट नहीं मिला बसपा को, और बहुजन समाज पार्टी ने यह सोच लिया कि जो हमारा मिशन था एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज ये सबको गोलबंद करना, एकजुट करना। तो एक तरफ से खबर आती है कि जितने भी अल्पसंख्यक बड़े बड़े लीडर्स हैं वह बसपा की तरफ मूव कर रहे हैं, ओबीसी में खास करके जो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, सब के सब बसपा की तरफ उनकी रुझान बढ़ रही है। और एक तरफ सतीश चंद्र मिश्रा जी दिनों दिन काफी दूर नजर आ रहे हैं। बाकी प्रोग्राम में वो जाते हैं, बाकी फंक्शन में वो जाते हैं, लेकिन बसपा के फंक्शन से उनकी दूरी है क्योंकि उनका स्वास्थ्य उन्हें साथ नहीं दे रहा है, ऐसा सुनने को मिलता है। क्या हम मान लें कि सतीश चंद्र मिश्रा जी बसपा से बहुत दूर चले गए हैं और बहन मायावती जी भी ये सोच लिए हैं कि हमें अब सड़कों पर उतरना है, अपने बहुजन समाज को एकजुट करना है? और माननीय काशीराम जी का जो मिशन था 85% एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज सबको अगर इकट्ठा कर ले तो यह बहुजन समाज बहुमत समाज है। बहुजन समाज आप मत कहिए, बहुमत समाज समाज है, और यह बहुमत में ला देंगे। बस इनको यह विश्वास दिलाना है कि हमारा नेतृत्व काफी मजबूत है, हम सत्ता के नजदीक हैं, जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, केंद्र में भी सरकार बनाएंगे, राज्यों में भी सरकार बनाए। इस कॉन्फिडेंस के साथ अगर बसपा के लीडर्स आम जनता के बीच जाते हैं
सचमुच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है 2024 के लोकसभा में। मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया था कि विपक्ष में जितने भी नेतागण हैं, जो जुड़े हुए हैं, जो संगठन में शामिल हो जाते हैं, जिसे कहते हैं महागठबंधन और थर्ड फ्रंट, तरह का नाम देते हैं, उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग लीडर के रूप में बहन मायावती जी है। इनके पास सिद्धांत भी काफी अच्छा है और डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांत, संविधान को मानने वाले लोग सब इनके पास हैं। बस एक कमी है बहुजन समाज के नेताओं में, वो कहते हैं हमारे पास जो है आर्थिक तंगी है, कॉन्फिडेंस का अभाव होता है। जाहिर सी बात है, जब आर्थिक तंगी होगी तो गाड़ियां उतना नहीं दौड़ पाएगा आम जनता के बीच में, जो जुलूस होता है, जो मजमा होता है, बड़े बड़े सभाएं होती है, वह नहीं हो पाता। और इसी वजह से आम जनता इन्हें कमजोर समझती है, और कमजोर ही नहीं बल्कि यह समझ लेती है कि पता नहीं ये सरकार में आएंगे भी या नहीं आएंगे, जीत तो भाजपा रही है, लोगों के दिमाग में बिठाया गया। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी हेलीकॉप्टर से और अपने प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अपने सभाओं को इतना मजबूत दिखाते हैं, इतना हावी हो जाते हैं कि आम जनता इन्हें मजबूत मानती है, ये मान लेती है। और मीडिया भी यही दिखाती है, जो नोएडा मीडिया है यही दिखाती है कि भाजपा सरकार बना रही है, इनके पास पूर्ण बहुमत है, इनके पास भी एससी एसटी ओबीसी के वोट हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में नजारा बदलता जा रहा है, अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी से ज्यादा बहुजन समाज पार्टी में अपने आप को सुरक्षित और सम्मानित पा रहे हैं। अब तो ओबीसी जो है वह उसका भी रुझान अब बहुजन समाज पार्टी के तरफ जा रहा है। और तो और जो रिपोर्ट आ रही है, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, आप जानते होंगे भाजपा के गठबंधन में है, और उधर केशव प्रसाद मौर्य तो भारतीय जनता पार्टी में ही है, डिप्टी सीएम है, और गाहे बगाहे यह कहा जाता है कि हमें जो सम्मान मिलना चाहिए वह भाजपा में हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, और बहन मायावती जी की लगे हाथ प्रशंसा कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? सबके सब कहा जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा, ये तमाम लोग जो पुराने बसपाई थे वो तो बसपा के तरफ मूव कर रहे हैं। क्या बहन मायावती जी ओपन ऑफर रखेंगे अपने पुराने बसपा नेताओं को कि आ जाइए, आपके घर में आपका स्वागत है? अगर इस तरह का ऑफर कर देते हैं तो 2024 का नजारा काफी बदला हुआ नजर आएगा, और भाजपा के लिए केंद्र में सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बिहार में आरजेडी जदयू गठबंधन है, उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी मजबूत तरीके से सामने खड़े होंगे, और भाजपा के लिए 80 सीट वह और 40 सीट यानी 120 सीट पे जब चोट पड़ जाएगी तो केंद्र में सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा रिपोर्टिंग में हमें दिख रही है। आपको क्या दिख रहा है, आप जरूर हमारे इस वीडियो में कमेंट्स करें। और क्या ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से लामबंद होकर बसपा को फ्रंट बनाना चाहती है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।